सर सनम जवेद को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया है, जुमेरात तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया और साथ ही चुप रहने का भी हुक्म दिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, एक निहत्ती खातून से ये कठपुतली और हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट इतनी डरती है कि जो काम वो 14 महीने में नहीं कर सके तो आगे क्या लेंगे उससे। वो एक बहादुर लड़की है, वो सख्तियाँ झेल रही है सिर्फ एक काज की खातिर, इस मुल्क की खातिर, आइन और कानून की खातिर, इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली की खातिर, और ये उसके खिलाफ इतना कुछ लगे हुए हैं। ये रियासत है क्या? रियासत का ये उसूल है कि रियासी दहशतगर्दी के जरिए कानून का मिसयूज़ करके और उसके ऊपर जुल्म ढाया जाए। और मैं समझता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस नदीम साहब को, उन्होंने ट्रू मान सेंस में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है जिसको पेरेंटल स्टेटस होता है, उन्होंने वो पावर एक्सरसाइज करके उनको आर्मी तौर पर रिलीफ दिया है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए बेहतर है, कानून के लिए बेहतर है, आइन के लिए बेहतर है। सर, ये इमरान खान साहब की तरफ से हुक्म था कि कोई भी मुकदमा हो तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा का तो ज्यादा से ज्यादा तादाद शो करवाई जाए। हम देखते हैं कि अदालतों में वो तादाद नहीं होती तहरीक इंसाफ की जो होनी चाहिए। देखें, मैक्सिमम आज देखे, मैं सुबह था जब ऑर्डर आया कि 5 बजे 5:30 बजे होगा, जो मैक्सिमम लोग अवेलेबल थे वो लोग आ गए हैं। आज भी ये बहुत बड़ी तादाद है माशाल्लाह। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी है इस वक्त उठ खड़े हूँ, इस मुल्क के निज़ाम को बचाना है। अगर इस मुल्क के सिस्टम को हमने आगे लेके जाना है, 25 करोड़ आवाम के हकूक का तहफ़ करना है, तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। सनम जावेद अदालत से रिलीफ मिलने पर, रिहाई मिलने पर अपने घर रवाना हो रही हैं। ये हम राह रास्त नादिर सरकार देख सकते हैं। किधर है?